अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रजनीक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 20 है, कूलम्स लॉ प्रॉब्लम 10 है, फिक दे दी गई है 21.25। वो कहता है चार पार्टिकल एक स्क्वायर सा बना रहे हैं, चार्जेस जो हैं Q1 और Q4 कैपिटल Q के बराबर हैं, Q2 और Q3 स्मॉल Q के बराबर हैं। हमसे Q ओवर Q की रेशियो मांगी जा रही है, जबकि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 और 4 पे कितनी होगी, 0 पे होगी। यानी चाहे 1 वाला केस ले लो, चाहे 4 वाला केस ले लो। फिर वो कहता है Q की कोई ऐसी वैल्यू बताओ कि चारों पार्टिकल्स पे फोर्स 0 हो जाए। तो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई एक्स एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस को हम इक्वल टू 0 मान लेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि उसने मुझे खुद कह दिया था कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 और 4 पे 0 है। तो मैं 1 वाला केस ले रहा हूँ, 1 के ऊपर नेट फोर्स पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो वो नेट फोर्स तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ सिमतों में होगी, उसके सिर्फ कौन से कंपोनेंट लूंगा, पहले एक्स कंपोनेंट लूंगा। और हम अज्यूम करेंगे जो कैपिटल क्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और स्मॉल क्यू लेस देन 0, तो पॉजिटिव या नेगेटिव कह सकते हैं आप इस चीज को। तो क्यू कैपिटल क्यू के साथ देखो मैंने पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव क्यू के साथ नेगेटिव क्यू लगा दिया। अब आप 1 को डिस्कस कर रहे हैं, तो 3 1 पे फोर्स लगाएगा, 2 1 पे फोर्स लगाएगा, 4 1 पे फोर्स लगाएगा। तो 1 पे लगने वाली तीनों फोर्सेज मेंशन है, मगर मैं जब उसके एक्स देखूंगा तो ये F21 सारे का सारा एक्स एक्सिस पे है, ये तो सारे का सारा वाई एक्सिस पे है। तो इसके दो कंपोनेंट मैं कर लूंगा, तो एक कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट होगा वो F41 का, जिसे हम 45 कहेंगे, क्योंकि ये 45 स्क्वायर है ना, स्क्वायर का टोटल एंगल 90 होता तो ये एंगल इसके डायगोनल पे 45 बन रहा होगा। तो अगर इधर 45 है तो इस तरफ भी 45 ही आएगा, तो F41 45 आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, तो इसलिए इसके साथ माइनस लग गया। सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो सारे की वैल्यू लग गई। यहाँ से अब हम जो कॉमन फैक्टर है वो काट देंगे, क्यू ओवर कैपिटल क्यू ओवर स्मॉल क्यू की रेशियो उठाएंगे 2√2, तो 2.83 आ जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे हमें क्या है कि भाई इसके जवाब माइनस में लिखा मैंने, क्योंकि पॉजिटिव क्यू तो हमने ज्यूम किया था ग्रेटर देन 0, स्मॉल क्यू लेस देन 0। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड से हटके ये करते हो, ये मॉड हटा देते हो मैग्नीट्यूड, तो फिर हम कहेंगे बड़ा क्यू पॉजिटिव है छोटा क्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, तो -2.83 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब वो कहता है क्यू की कोई ऐसी वैल्यू निकालो कि भाई नेट फोर्स आपके पास 0। अब क्यू किस पे है, 2 पे है, 3 पे है, तो मैं 2 वाले को इसे को ले लेता हूँ, तो इस वाले पे नेट फोर्स देख लेते हैं। सेम कंडीशन अभी भी हम वही सोच रहे हैं, कैपिटल क्यू ग्रेटर देन 0 है, क्यू लेस देन 0 है, तो 2 पे लगने वाली तमाम फोर्सेस को देख लेते हैं। अब हम कहेंगे कि भाई आपके पास वाई एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ताकि अगर हम ये y वाला साबित कर देंगे, तो ये तो हमने साबित कर दिया था, तो अगर ये y वाला भी 0 हो गया तो x वाला तो 0 के बराबर कर दिया हमने, तो ये फिर इक्विलिब्रियम में हो सकता है, यानी क्योंकि एक ऐसी वैल्यू निकल आएगी कि दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो आप कहेंगे कि F42 नेगेटिव y एक्सिस की जानिब है, F32 का एक कंपोनेंट अपवर्ड होगा पॉजिटिव y एक्सिस की जानिब, दोनों के कूलम लॉ लग गया। तो इसमें से मुझे कॉमन फैक्टर लेके काट देंगे, q ओवर q अब बराबर आ जाएगा 0.035। ये इतना तो नहीं आया, ये तो सेम आना चाहिए था, तभी तो ये बैलेंस होगा। तो आपके पास तभी तो हम मानेंगे कि भाई आपके पास ये, यानी हमने कहा इनकंसिस्टेंट है, उतना जवाब नहीं है जितना ऊपर वाली सिचुएशन में। एक्स एक्सिस का जितना सम 0 होना चाहिए था, वाई का भी उतना ही होना चाहिए था, रेशियो आनी चाहिए थी, तो इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगी। तो हम कहेंगे क्यू की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि चारों चार्जेस पे जो आपकी फोर्स है वो क्या हो सके, 0 हो सके। यानी बात समझा गई। तो आपके पास अगर सम ऑफ एक्स एक्सिस की फोर्सेस का जो आंसर आया इस रेशियो का, उतनी ही इस रेशियो का आंसर वाई की सूरत में भी आना चाहिए था, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होनी थी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।